नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का अचार। तो हमने लिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं 100 ग्राम मिर्च है हरी। हमने इसे अच्छे से धो के साफ किया है, बीच से चीरा काट करके रखा है, चीर के बीच से। तो इसे हमें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन के रेडी होता है, पर बहुत टेस्टी होता है। आप इसे रोटी, चपाती, चावल किसी के साथ भी, सब्जी के साथ भी इसे एक डिश मान सकते हैं और ये खाने में उतना ही लाजवाब और टेस्टी है। टाइम भी बहुत कम लगता है और रेसिपी में इन्ग्रीडियंट्स भी बहुत कम लगता है, लेकिन लगता बहुत टेस्टी है। तो आइए फटाफट इसे बनाते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है और क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। तो हमने लिया है यहाँ पे एक पैन और उसमें डालेंगे हम एक चम्मच ऑयल, एक बड़ा चम्मच ऑयल हमने इसमें ऐड कर लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे इसके अंदर तड़का। तड़का में हमने लिया है यहाँ पे एक बड़ा चम्मच, यहाँ पे ये देखिए अजवाइन है। हमने यहाँ थोड़ा सी ये चीज़ें नहीं डाली है, ये ज़्यादा रहता है तो ये अच्छा लगता है। और इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक सीड, ये थोड़ा सा डालेंगे जिसे हम कलौंजी या मैंगरेल बोलते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये देखिए मेथी, मेथी भी हाफ चम्मच मेथी हमने ऐड किया है। मेथी और अजवाइन अगर पीसा हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसे भी बना सकते हैं, टेस्ट वही रहेगा। तो फटाफट इसे हम थोड़ा तड़क जाने देते हैं, अब ये तड़का नहीं है। आप चाहें तो इसमें यहाँ सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को सौंफ ज़्यादा पसंद है, पर मुझे मेथी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें मेथी ऐड की हूँ। अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, हमारा अच्छे से थोड़ा ये देखिए इसमें थोड़ा से चिटी चिटी से दिख रहे होंगे। इसके अंदर डालेंगे हम आमचूर पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पे नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कितना पकाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये बहुत लोग इसे थोड़ा सा कच्चा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं। एक 2 से 3 मिनट 4 मिनट में आपका मिर्ची का जो अचार है बन के रेडी हो जाता है। और ये रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब लगता है। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसके अंदर ऐड देंगे अब ऐड नमक। नमक हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार यानी हाफ चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। आपकी मिर्ची जितनी हो और जितना आपको पसंद है आप यूज कीजिए। और रेडी हो गया है हमारा मिर्ची का अचार, इसे मिक्स कर लिया हमने। ये देखिए कितना बढ़िया देखने में और कितना बढ़िया जो है अचारी मिर्ची बन के रेडी है। तो फटाफट आप इस रेसिपी को बनाएं। तो लीजिए बन के रेडी हो गया है मिर्ची का अचार। आज आपको ये रेसिपी आशा करती हूँ पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम समय में, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में बनता है, बट लाजवाब रेसिपी है। तो ज़रूर इसे बनाए खाएं और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स, और अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ऑल टाइम जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का अगला अपडेट आपके पास आसानी तक पहुंचे। और चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।